जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम जप योग का वैज्ञानिक आधार पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। पाश्चात्य देश की बात है। एक बार लॉर्ड लिटन के एक सजाए कमरे में ऊंचे दर्जे के खास खास विद्वानों तथा विदेशियों का एक दल एकत्र था। सभी 20वीं सदी के विज्ञान तथा उसके आविष्कारों से परिचित थे। उनके सामने प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती बार्स हंस एक साधारण सितार पर राग के साथ गाना गा रही थी। गाने के क्रम में गायिका ने एक ऐसा राग छेड़ा कि पर्दे पर खास तरह के सितारे के रूप की आकृतियां नाचती कूदती दिखाई दी। राग के बंद होते ही आकृतियां भी देखते देखते गायब हो गई। फिर गायिका ने दूसरा राग छेड़ा, बात की बात में दूसरे प्रकार की आकृतियां सामने आई। राग बदलने के साथ आकृतियां भी बदलती गई। कभी तारे दिख पड़ते तो कभी टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार आकृतियां नजर आती, कभी त्रिकोण षटकोण दिखाई देते तो कभी रंग बिरंगे फूल अपनी शोभा से मुग्ध करते, कभी भीषण आकृति वाले समुद्री जीव जंतु प्रकट होते तो कभी फलों फूलों से लदे वृक्ष नजर आते, कभी एक ऐसा दृश्य दिखता जिसमें पीछे तो अनंत नील समुद्र लहराता नजर आता। दर्शकगण चकित होकर के चुपचाप देखते रहे। अंत में गायिका ने राग बंद किया और सब आकृतियां अदृश्य हो गई। श्रीमती बार्स हंस को एक बार उसी बाजे पर एक राग छेड़ते समय एक विशेष प्रकार की सर्प आकृति दिखाई पड़ी। फिर जब जब वे उस राग को छेड़ती तब तब वे आकृति प्रकट हो जाती। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राग और आकृति का कोई प्राकृतिक संबंध अवश्य है। इसी प्रकार फ्रांस में दो प्रकार इसी विषय को लेकर के प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किए गए हैं। एक प्रदर्शनी में तो मैडम लेंग ने एक राग छेड़ा था जिसके फल स्वरूप देवी मैरी की आकृति शिशु जीजस क्राइस्ट को गोद में लिए हुए प्रकट होती दिखाई पड़ती थी। दूसरी बार एक भारतीय गायक ने राग भैरवी छेड़ा था जिसके फल स्वरूप भैरवी की आकृति प्रकट होती थी। इसी प्रकार इटली में भी परीक्षण हो चुका है। एक युवती ने एक भारतीय कलाकार से सामवेद की एक ऋचा को सितार पर बजाना सीखा। खूब अभ्यास कर लेने के पश्चात उसने एक बार एक नदी के किनारे रेत में सितार रख करके उस राग को छेड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां रेत पर एक चित्र सा बन गया। उसने अन्य कई विद्वानों को यह बात बतलाई। इस पर उन्होंने उस चित्र का फोटो लिया। चित्र वीणा पुस्तक धारिणी माँ सरस्वती का निकला। जब जब वह युवती तन्मय होकर के उस राग को छेड़ती तब तब वही चित्र बन जाता। इस प्रकार आकृति के साथ शब्द का प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक संबंध है। पाश्चात्य जगत तो आज इस बात को सिद्ध करता है, किंतु भारत में तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी वैज्ञानिक आधार पर जप योग का प्रसार निर्मित हुआ था। सूक्ष्म तथा गहन अनुसंधान के अनंतर प्राचीन काल में ही तपस्वी ऋषि मुनियों को विभिन्न बीजा अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीज अक्षरों के विधि पूर्वक जप द्वारा विभिन्न देवताओं की आराधना की जाती थी और मनचाही साधना को प्राप्त कर लेते थे। मनोवैज्ञानिक के विद्वानों ने अनेक प्रकार के प्रयोग प्रशिक्षण खोज और छानबीन के अनंतर यह सिद्ध कर दिखलाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बार बार जिन विचारों का उदय होता रहता है वे विचार वहां अंकित हो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव मस्तिष्क में घर बना लेते हैं। फल यह होता है कि उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में बार बार चक्कर लगाया करते हैं।
उनसे मन का इतना लगाव हो जाता है कि उन्हीं में वह आनंद प्राप्त करता है, उन्हीं में मगन रहने वाला लगता है। ऐसी दशा में दूसरे प्रकार के अच्छे से अच्छे विचार तथा हितकर से हितकर भाव मन को नहीं रुचते, वह उनसे जल्दी ही उब जाता है, भागने लगता है और अपने पुराने विचारों के बीच जाकर शरण लेता है। हमारे शास्त्रकारों ने इसी को संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के मनुष्य अच्छा बुरा आचरण करता है और अपने उन्हीं विचारों व संस्कारों के कारण समाज के दर्पण में सज्जन व दुर्जन दिखता है। पहले मनुष्यों के मन में विचार उठते हैं, फिर वह उन्हें वाणी अथवा कार्य द्वारा प्रकट करता है। मनुष्यों के आचरण का मूल आधार उसके विचारों भावों में ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है वह उसी प्रकार का हो जाता है। मनुष्यों का व्यक्तित्व उसके अपने अमूर्त विचारों का साक्षात प्रकटीकरण मात्र है। जब से मनुष्यों के विचार संयत हो जाते हैं, बार बार एक विशेष प्रकार के शब्द को उच्चारित करने से और सुनने से मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर उसकी स्थायी कल्पना प्रभाव डालता है, क्योंकि मस्तिष्क में उस शब्द का अर्थ भाव अंकित हो जाता है। यही अर्थ भाव धीरे धीरे गहरे उतरकर अंतःकरण में एक संस्कार का रूप ले लेता है। यह संस्कार ही हमारी कल्पना बन जाता है और व्यवहारिक रूप पर स्वभाव भी बन जाता है। फिर हम उसी स्वभाव के अनुरूप आचरण करते हैं। जप के समय साधक के सामने इष्ट देव के रूप गुण कर्म का चित्र प्रत्यक्ष सा उपस्थित होता है। इष्ट के गुणों के प्रभाव से साधक के पूर्वजनित संस्कारों में क्रांतिकारी सात्विक परिवर्तन होने लगता है। उसके मन मस्तिष्क में अज्ञान अंधकार में असत विचारों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। जैसे आम शब्द के कहने मात्र से उसके रूप गुण स्वाद का भाव उदय हो जाता है और दुर्गंध युक्त गंदी वस्तु के नाम स्मरण मात्र से मन में घिनौने विचार आने लगते हैं। वैसे ही इष्ट देव के नाम स्मरण व उच्चारण से मन में उसी के देवी गुणों का उदय होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है, विकार दूर होते हैं, साधक देवी भाव को प्राप्त होने लगता है। जब इष्ट देव की प्राप्ति का सरल वैज्ञानिक उपाय है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।